यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ना कोई जंगली जानवर आ गया है। ये देख लो यार, रात को ना कोई जंगली जानवर आया था। ये देख लो हाल क्या किया है उसने। लीजिए, यहाँ पे हम साफ कर रहे हैं अपनी जगह पे। यहाँ पे हम अपना टेंट बिछाएंगे एंड देन आफ्टर बिल्कुल पानी के पास में। Baby, take a minute, slow down, yeah. ऑल सेट फॉर टुनाइट्स एडवेंचर, एवरीथिंग रेडी। हमारा टेंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी रात को आग भी जलाएंगे, खाना भी बनाना है। और जैसे हर एक लोकेशन का अपना अपना फास्ट फूड होता है ना, बॉम्बे की बात करें देर इज़ वड़ा पाव, टॉकिंग अबाउट दिल्ली देर इज़ पानी पूरी एंड छोले भटूरे, टॉकिंग अबाउट द पंजाब देर इज़ छोले भटूरे, छोले कुलचे। तो टॉकिंग अबाउट द कश्मीर एंड देयर कम्स द तुज, दैट्स तुजमाज वी सेड, दैट्स अ टोटली नॉन वेज आइटम। मटन लाया है हमने 4 kg, तो आज पूरा भाई पहलेगा मटन को क्योंकि हम बिल्कुल थक भी गए हैं। ये है हमारा आज का घर, प्यारी लोकेशन, यू नो, एक ड्रीम लोकेशन। तो अभी हम फायर जलाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट है पहले, क्योंकि ये सारा काम पहले ही करना है क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये चीज है, ये बिल्कुल सूखी हुई, ये समझो एकदम बिल्कुल पेट्रोल रहता है। इसको थोड़ा सा भी, यू नो, लाइटर या माचिस से थोड़ी बहुत टच करेंगे ना, जल्दी जल जाता है। तो ये चीज़ हम ला चुके हैं। और हमने फिर यहाँ से कुछ वुड भी लेके आए, जंगल से काट के लेके आए। तो अभी ये साइड पूरा सेट कर लेना है, वो अभी कर लेंगे। और यहाँ पे मौसम एकदम ठंडा हो गया, एकदम चिल हो गया मौसम। और ये देख लो, फाइनली हमने आग जला ली है यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है हम लोगों को। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आग जल्दी जलेगा, बट जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यार जंगल में आग बहुत जल्दी जलता है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल किस्म की वुड होती है जो आराम से जलती है। The person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. हमने कुकिंग की थोड़ी प्रिपरेशन की है, पहले थोड़ा फास्ट फूड बना रहे हैं हम, तो उसके लिए थोड़ा सैलेड में बना रहा हूँ, तो इसकी थोड़ा चटनी बनानी है हमें। ये रो भाई, ये पूरा मीट है, ये पूरा बन रहा है और मैं सैलेड बना रहा हूँ। तो गाइस, बाहर ना बहुत ठंड लग रही थी यार, और मैंने फिर जैकेट ऊपर से लगा दिया और ब्लैंकेट एक अपने ऊपर ले ली। थोड़ा सा हमने नॉनवेज अभी बनाया था वो थोड़ा सा खा लिया, आपको नहीं दिखा पाया इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी थोड़ा हम रेस्ट करने वाले हैं क्योंकि पूरा दिन पूरा, मतलब समझ लो कि इट वॉज अराउंड 2-3 आवर्स का जो ट्रैक था। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। अभी खाना बनाया नहीं, बस एक आग जला के रखी है और थोड़ा, यू नो, कुल्हाड़ी प्लस कुछ और भी, ये जो मेरे पास ये स्टिक थी, वॉकिंग स्टिक, वो भी सामने रखी क्योंकि यहाँ जंगल में बैठे हैं कि ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो
प्रोटेक्शन सेफ्टी फर्स्ट कंसर्न होता है। तो ये अपने टेंट में बैठे हैं, बिल्कुल एकदम यू नो एक अलग सी लेवल की फीलिंग आ रही है, अलग सी लेवल की फीलिंग। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। एंड बाहर भी यू नो जस्ट 10 meters के पीछे ना यहाँ पे बंदे हैं जो रुके हुए हैं अभी, नॉट फॉर द कैंपिंग, उनके ना पूरे शीप है यहाँ पे, तो शीप का केयर, तो शीप का ना केयर टेकर है वो यहाँ पे, तो फीलिंग सेफ। तो अभी ना अराउंड 9:10:20 हो गया, तो हमने ना हम सोच रहे थे कि पहले खाना बनाएंगे, तो बट बंदे ने बोला यार नहीं यार चाय पी ली नहीं हमें यहाँ पे पहले, तो खाना अभी थोड़ा लेट ही बनाएंगे अराउंड 10 बजे के आसपास, तो पहले चाय पी लेंगे यहाँ पे। और ये देख लो भाई ऊपर से, ये ना दिस इज द मून लाइट राइट नाउ, ये कोई नो कोई बल्ब कोई कुछ नहीं है, दिस इज द मून लाइट एंड वी आर इंजॉइंग अ लॉट। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत है, बट फिर भी ये जो पीछे से दिख रही है ना ये वाली लाइट, ये है जो गुलमर्ग का फर्स्ट फेज अपना गंडोला है, ये उसकी लाइट है, ठीक है। और ये है अल्लाह की रोशनी ऊपर से, ये देख लो दिस इज नेचुरल अल्लाह ताला की रोशनी है। तो मज़े आ रहे हैं यार, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मे भी ना कोई जंगली जाकर जंगल वंगल पूरा आसपास है, मे भी कोई जंगली जानवर आ जाए यहाँ पे, तो बट हमने आग चालू रखी है यहाँ पे। और ये देख लो भाई आग फुल ऑन चल रही है और हम चाय बना रहे हैं अभी। और ये है अपने स्पेशल आज के जो ये सारा कुछ अरेंजमेंट पूरा इन्होंने किया है। और इन केस अगर आपने कैंपिंग करनी है इधर गुलमर्ग साइड में कहीं पे, तो भाई का चेहरा याद रख लेना, इनका लिंक, इनका जो भी ऑफिस नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर पूरा मैं दे रहा हूँ, ये सब ही प्लान कर रहे हैं, पूरी डिटेल, बहुत ही बढ़िया गाइड है, बहुत बढ़िया गाइड है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने आना है यहाँ पे, आप इनसे पहले कॉन्टैक्ट करो कितने बंदे हैं, ये आप कुछ आपको टेंट प्लस जो भी कैंपिंग अरेंजमेंट होता पूरा अरेंज करेगा, ठीक है ना भाई, हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पूरा अरेंजमेंट हो जाए, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ जाएगी, बिल्कुल जी पक्की गल है यार, आ जाओ तो भाई को कांटेक्ट करो। ठंड लग रही है यार मेरे को बाहर बहुत ज़्यादा, तो वापस मैं अपने टेंट में ही चला जाऊँगा, मेरे पैर दुख रहे हैं थोड़े से। तो बात कर रहा था मैं अगर किसी बंदे को भी ना कैंपिंग पे जाना होगा ना गुलमर्ग साइड में, तो मेरा जो फ्रेंड है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको हर एक चीज़ अरेंजमेंट करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आज का जो भी पूरा अरेंजमेंट है ना सिर्फ भाई का है, तो भाई ने पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे करवाया है, खुद किया है। तो कैंपिंग से ना आप बहुत कुछ सीखते हो, लाइक हाउ टू मैनेज द थिंग्स वेरी क्विकली हाउ, मतलब और एक चीज़ इसमें हम सीखते हैं कि पूरा प्रॉपर एक तो मैनेजमेंट आ गया, प्लस इस चीज़ से हम ये भी सोचते हैं कि एक घर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइक इफ़ यूर फैमिली इज़ नॉट एट यूर होम, सो हाउ यू कैन प्रिपेयर वेरियस थिंग्स। तो दिस इज द पॉइंट विच आई हैव लर्न सो फार फ्रॉम कैंपिंग। तो गाइस रात के ना बज गए हैं अभी 11, तो मैं थोड़ा सा टेंट के बाहर निकला, क्योंकि टेंट में ना पूरे एकदम पीपरा के सॉन्ग्स चल रहे हैं, एक बहुत ही प्यारे बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे हैं टेंट में, तो मैं सोचा थोड़ा बाहर निकलूँ और बाहर का थोड़ा व्यू चेक कर लूँ, देख लूँ क्या चल रहा है। तो ये देख रहे हैं यार पीछे से पूरा आग चल रहा है, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं आपको लाइफ में जो आपको यू नो एकदम डिमोटिवेट करते हैं, लाइक यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर लाइक दिस यू आर लाइक दैट। मेरे भाई आपने ना हार बिल्कुल भी नहीं मानी, बिल्कुल भी हार मत मान लो यार, हर एक बंदे के पास एक अपना पर्सनल टैलेंट होता है, सो डू वन थिंग, यूज दैट पर्टिकुलर टैलेंट, वो एक टैलेंट को अपने अंदर पहचान लो, भाई ये एक चीज़ है ये मैं बिल्कुल अच्छे से करने वाला हूँ, तो ये एक चीज़ है ये मैं बिल्कुल अच्छे से करूँगा ये वाली चीज़, सो उस चीज़ पे आपने बिल्कुल फोकस कर लेना है, हाँ भाई ये चीज़ मेरे से होगी ये चीज़ करना है। हार जिस बंदे ने लाइफ में हार मानी ना मेरे भाई वो लूज़र है, वो सबसे बड़ा लूज़र है। जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर होगा वो कभी लूज़र होगा ही नहीं और ना होना चाहिए। हर एक बंदे के पास कोई ना कोई, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आपने ना कोई टैलेंट है आप में, तो वो चीज़ अपने अंदर पहचानो, आप देखो कि आप क्या करने उस चीज़ के बारे में क्या करना चाहते हो, जस्ट वर्कआउट फॉर दैट वेरी थिंग एंड लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। एंड यू नो हर एक बंदे का एक अपना अपना ड्रीम होता है, अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें जिनके बारे में वो सोचता है भाई मैं ये करने वाला हूँ, बट अगर मैं ये करूँगा मेरी फैमिली मुझे क्या कहे, मेरे जो
भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप कुछ सही कर रहे हो ना, आपके माइंड में कुछ सही चल रहा है ना, वो चीज़ कर रहे हो यार। मे बी समटाइम्स फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट, सिर्फ अपने घर वालों का सोचो। आपने ना कुछ ऐसी कोई गलत चीज़ करनी ही नहीं है जिसकी वजह से फैमिली के नाम में ना पूरी होती है, वो चीज़ माइंड में रख लें। बाकी अगर आप कुछ यूनिक सा करना चाहते हो, एंड मे बी यू नो देयर आर सम पेरेंट्स हू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ यार भाई, लेट यूर चाइल्ड डू वट ही वॉन्ट्स टू डू इन ए गुड वे, उसको गाइड करो। हाँ, अगर वो ये बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, तो पहले ना आप खुद रिसर्च करो उस चीज़ पे, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। देन आफ्टर अगर उसका पैशन है वो चीज़ करना, तो लेट हिम डू इट्स हिज लाइफ। तो कभी कभी ना थोड़ा एडवाइस करने का मन होता है लाइफ में, सो आई एम डूइंग जस्ट सेम थिंग। तो चलो अभी ना हमने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो अभी खाना बनाएंगे हम पहले। तो अभी हम खाना बनाने के लिए निकल रहे हैं। यू नो देयर आर डिफरेंट फेजेस इन योर लाइफ एंड दैट विल लेट यू टुवर्ड्स द डिप्रेशन। सो मेरे भाई डिप्रेशन बिल्कुल भी मत लेना अपनी जिंदगी में यार, डिप्रेशन आता जाता है, बट यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर करियर। जो भी आपने अपने माइंड में एक कोई भी चीज़ सेट की होगी ना, तो उस चीज़ पे ना फोकस करो, तो हार बिल्कुल भी नहीं माने। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, लाइफ कम्स विथ यू नो मैनी अप्स एंड डाउन्स यार, आपने बिल्कुल भी उस चीज़ पे नहीं देखना है। हाँ एक चीज़ याद कर लेना मेरे भाई, अगर लाइफ में कोई ना मतलब समझ लो कोई नेगेटिव थिंग्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझना कि यार ये अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी आजमाइश है, और इन आजमाइश से निकलना है हमें यार। तो वो चीज़ माइंड में रख लेना। और एक सही बंदा वो होता है जो बिल्कुल किसी नेगेटिव चीज़ में ना पॉजिटिव सोचे यार, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है लाइफ में, तो आपने उस चीज़ को ना एकदम बिल्कुल पॉजिटिव बनाना है, और फिर देख लो यार लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल लाइफ, हसीन लाइफ हो जाती है फिर यार। तो डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, और जो बंदा मुझे भी देख रहा है ना यार मेरे भाई, लाइफ में ना डोंट गो टुवर्ड्स दिस डिप्रेशन। एंड वेरी सून आई विल हैव ए लाइव सेशन विद यू गाइस, वेरी सून आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ डेज, तो आपके साथ एक लाइव सेशन हो जाएगा। तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। तो डिमोटिवेट मत हो जा, कोई आपसे कह रहा है कुछ आप ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करोगे लाइफ में, डोंट टेक इट सीरियसली यार, जस्ट डोंट गिव अ डैम, एंड यू बेटर नो आफ्टर दैट, जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड मेक योर लाइफ वेरी ब्राइट, वेरी ब्रिलियंट, यू नो समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, दैट पीपल विल कम टू नो यू। एंड दिस इज माई मैसेज टू यू गाइस हू आर वॉचिंग मी, एंड इफ यू लाइक माई यू नो अ बिट एडवाइसेस, अ बिट पोएट्री, just like, share and comment me and subscribe। कभी कभी ना बंदा बहुत हार जाता है यार अंदर से, बाहर से दिखता है हंसता खेलता इंसान, अंदर से होता है अकेला खाली इंसान। तब ना कभी कभी मन करता है कि हार जाएं और छोड़ दें सब कुछ। उसी वक्त ख्याल आता है कि यार हारने के लिए तो ये सब शुरू नहीं किया था, तो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मटन के साथ साथ थोड़ी सी बटर हमने इसके साथ ऐड ऑन की ताकि इसका टेस्ट थोड़ा बढ़िया लगे। और इसमें ना थोड़ा सा अभी हम ये डालने वाले कर्ड भी, कर्ड से पता होगा जो उसका ग्रेवी बनेगी ना दैट विल बी थिक, तो ये थोड़ा सा क्रीम कर्ड डालेंगे। वाओ साउंड्स ब्यूटीफुल ना, तो आ जाओ खा लो, ये देख लो भाई परफेक्ट बन रहा है, ये देख लो। और कर्ड से ना थोड़ी सी स्वीटनेस भी आ जाएगी, और तो ग्रेवी तो पक्का थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा ग्रेवी में, ये देख लो भाई नेक्स्ट लेवल कुकिंग। वाह खाना अबाउट टू रेडी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना यार कैंपिंग में, आपने जो अपना जो टेंट रखा है ना, दैट शुड बी यू नो अगर कोई बंदा सामने आस पास में हो कहीं पर, कोई लोकेलिटी या फिर कोई कैंपर और भी होगा साथ में, तो बिल्कुल पास में रखना है। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगी ना अभी तक, वो ये है कि यहाँ पे ना 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद लाइटिंग होती है यार, कोई ना कोई लाइट छोड़ता है, थोड़ा आवाज़ भी देता है, बंदे बाहर भी निकल रहे हैं, और थोड़ी सी आग सब लोगों ने जला के रखी है बाहर से। तो वही प्लान हमारा भी है, खाना बनेगा उसके बाद हम फायर एकदम तेज़ करेंगे, तो ये प्लान है। टेंट में बैठने का मन ही नहीं हो रहा है, बाहर एकदम बहुत प्यारी सी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छी प्यारी सी हवाएं चल रही है। तो ये एक चीज़ थी जो टेंट ये कैंपिंग में थोड़ा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की।
एंड यू हैव टू बी यू नो थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ता है, क्योंकि कैंपिंग आप जब भी यू नो किसी ऐसी लोकेशन पर करते हो जहाँ पे एकदम फॉरेस्ट नज़दीक में आता है, तो यू हैव टू कीप द थिंग्स विथ यू, जैसे एक्स रह गई या फिर आपने नाइफ साथ में रखे या कुछ भी रखा है, तो दैट यू शुड कीप दैट विथ यू। तो रात को इस चीज़ का डर रहता ही है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे पब्लिक है, सब लोग जागे हुए हैं, हम भी जागे हुए हैं। ये बनाया था हमने मटन एंड ये थोड़ी सी चटनी, और ये है तंदूरी रोटी, कोल्ड ड्रिंक भी है पास में। तो भाई हम डिनर कर रहे हैं। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है। आफ्टर द डिनर मेक श्योर कि आपका जो भी खाना बचा हुआ है ना उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल अंदर। अगर आपके आप कैरी किया होगा पॉलीथीन, उसकी स्मेल बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप एक इस जगह पे हो जहाँ पे ज़्यादातर यू नो जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्मेल वो दूर से उनको समझ में आता है कि स्मेल कहाँ पे आ रही है। तो मेक श्योर आपने जितना भी खाना बचा हुआ है तो उसको बिल्कुल पैक करके बिल्कुल टेंट के कैंप के अंदर ही रखो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आप मुझे लगा कि मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए ये चीज़। तो हमने पूरा ये सब कुछ पैक कर लिया बिल्कुल अपनी टेंट के अंदर ही, और अभी जो फायर हमने आगे नीचे बाहर लगाया है उसको थोड़ा और जलाएंगे हम तेज, क्योंकि मे बी हमें नींद आएगी जंगली जानवर ना आ जाए, तो फायर भी हम थोड़ा और फ्लैम पे रखने वाले हैं ज़्यादा। और एक रीज़न ये भी है कि फायर फ्लैम पे ज़्यादा रखेंगे ना, और जंगल थोड़ा दूर ही है, तो जंगल का ऐसा कोई ये मत सोच लेना कि भाई कि अगर आप फायर रात भर चालू रखो मे बी कोई जंगल को आग लग सके ना, बिल्कुल भाई वो चीज़ बिल्कुल माइंड में है, थोड़ा सेफ एरिया में है। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं अभी। यू नो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया से कट होके आ गया यार, बहुत ही अल्टीमेट ट्रिप है, बहुत ही अल्टीमेट ट्रिप है। तो अभी तक नींद आई नहीं है, बिल्कुल बैठे थे हम लोग, बातें कर रहे थे इधर उधर की बातें, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला। हमने जो आग जलाई थी वो अभी भी चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है इस लोकेशन पे। तो गाइस मेरी तरफ से आपको है गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम। तो ख्याल रखना अपना, और दुआ में याद रखना भाई को। बिल्कुल अब सोने का बिल्कुल मन हो गया है, और फाइनली सो रहे हैं, इट्स अराउंड यू नो 2:30 AM। तो अभी तो हम बैठ रहे थे तो वे हम सो गए, ये भाई लोग बिल्कुल नीचे सो गए सारे, और मैं भी सो गया हूँ। और यू नो पता है मेरे साइड में क्या रखा है, ये देख लो भाई, ये साइड में रखा है बिल्कुल मेरे दूसरे बंदे ने वो साइड से नाइफ रखी है और मैंने ये रखा है। मे बी कुछ अगर मुझे कभी कुछ ऐसा लगा, तो अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा लगा तो तेरा भाई ये पकड़ के बैठा ये भी। चलो ख्याल रखना अपना, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ना कोई जंगली जानवर आ गया है। तो जो यहाँ पे बंदे हैं ना नीचे, लाइट दिख रही होगी, जो बिल्कुल इनके कैटल्स है यहाँ पे, इनको देख प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो भी आवाज़ें दे रहे हैं, तो हम भी आवाज़ें दे रहे हैं। अभी हमें कुछ दिखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए। सुबह के बज गए 5, और नो वट जब आप पहाड़ों पे होते ना तो सुबह सनराइज़ भी जल्दी होता है, तो अभी हम उठने वाले हैं, 5 बज गए सुबह के। रात को नींद अच्छी सी की हमने, ठीक था, थोड़ा सा जंगली जानवरों का डर भी रहा। ओह ये देखो भाई पहाड़ों का माउंटेन व्यू, ये देखो जी, ये था अपना टेंट। सुबह की टी रेडी हो रही है, तो भाई सुबह की टी ठंडी में एकदम गर्मा गर्म टी, थैंक यू, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये देखो सुबह का सनराइज। शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन वादियों में होने की फीलिंग क्या होती है। तो अभी ना हम थोड़ा नीचे जो यहाँ पे शेफर्ड बॉयज थे ना, अभी उनके पास जा रहे हैं। रात को जैसे मैंने कहा था कोई जंगली जानवर आया है तो उसने कुछ नुकसान किया है यहाँ पे, तो वो देखने के लिए हम भी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। ये देख लो हाल क्या किया है उसने। मैं सल्यूट करता हूँ, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सल्यूट करता हूँ इनको,
बिल्कुल रात भर जाग रहे थे, पता नहीं फिर कितने बजे ये जानवर आ गया। बिल्कुल 5:30 के आस पास आ गया ये, तो बेचारों का नुकसान कर लिया यहाँ पे। सुबह की खूबसूरती का एहसास सिर्फ उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए। हमने बुरा वक्त देखा है यार, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। जाने का प्लान बना रहे थे, तो जैसे आपने पता है कि रात को कोई जंगली जानवर आया था, मैंने आवाजें भी बहुत सुनी थी और ये भाई बिल्कुल ये पे थे, मैंने खुद भी देखा इनको। तो फिर सुबह हमने जब देखा तो इनका एक शीप था, उसको बिल्कुल कोई जंगली जानवर खा लिया, वो आपने देखा भी। तो अभी हम ऐसे इनसे बात कर रहे थे कि जैसे इनके ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी गाँव के, एक पर्टिकुलर गाँव के ना, उनके जितने एरिया में जितने भी शीप है ना, वो सब पूरा ये देखते हैं। तो अब इनकी इनके साथ हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस मैटर। हाँ यानी आम का सर, तो यूनिवर्स में आप चीज़ कहती कि यूस नुकसान हुआ ना, मतलब ये आज तुम मतलब यूस यस कड़बर आए सुख पे सो माइन इस पर सब मूद यह तक क्या प्रॉब्लम जमींदार बेद मतलब बजे थान तशान पमींदार بجے پہ چند مز تہ پہ اچھا نش نشان نیر کھین اس لفظ کر چوپان مطلب زمیندار سی کہ سا کرو تہ ستن ام سات مطلب اس تیور کان راوان تہد تہد کان تیور راوان ام سند ہسا گھ نشان آن موجود کھال گھ بالکل وہ یہ کھال نیران کھین تک اس سے لفظ کورمت تیل پہ یہ چند مز پہ بہت نقصان اس اکہ سائڈ بیاک نقصان جنب ویلی گا مطلب زمیندارس رٹ اس مطلب یہ وتر وتر سمراؤن قطر دریاو پہ مطلب روپیس پانچ ہاتھ روپیس ثور اکس تیرس ٹھن ریتن تو یم سات یہ اس نقصان گا اکہ سائڈ گو ہن نقصان پہ رش تران اس کھین پہ پہ چند مز پہ روپیس دہ ساس روپیس پندہ ساس اچھا ون مے گا چیز کت اس نقصان چھ گا تہو وت ات یم سی نقصان گھے کم جناب گورمنٹ دان فائدہ گورمنٹ شکر گزار فائدہ دانکاری ات بارس میں کہ تھی کرو سا یہ کاربار کھڑا بالکل پہ کاربار کھڑا کر مگر یم سات گڈی وچان مطلب گرن اندر مال آسان تم سات دس رتس ات سی بالکل مگر اس باسان اس فائدہ ٹھیک گرس اندر باسان فائدہ جانور پرابلم گھر نیبر نیران جنگلن کن مگر جنگلن مجھے جانور مطلب جنگلی جانور اٹیک کر اگر پندہ نفر تہو تمہیں پہ یہ نقصان واتن روپیس دون لچن روپیس ترین لچن نقصان واتن کت روز موجود مے رات پانچ تھی نفر جانور یہ راتس رات کس راتس ہشار بالکل مے وچھ صبح ون تراو نندر زول صبح کاش یہ سی جناب مور یمو کن جوڑ نیوک تیور روپیس وہن ساس پنچہ ساس ہند تیور نیوک جناب بالکل بالکل حالانکہ یہ گورمنٹک کت یہ گورمنٹک کت مطلب گورمنٹ ترا مطلب کٹ امن چوپان سی پالنے خطر چوپان برادر روزگار سی مطلب یہ گو ونکس موقع پہ مطلب گورمنٹ اتنے پہ زمیندار ہند بچار تمہن کیا لارا پہ اٹ نون پہ کیا مرشن مال زمیندار یم سات مطلب چلے کلانس اکس اکس تیرس آمت خرچی روپیس وہ پنچ پنچہ ساس منگ یہ گورمنٹ کر جناب قوبو پتمہ لٹہ دان مطلب ام خطر حفاظت تیت حساب کر گورمنٹ شاید میان حساب تھی مے بوزمت دس چوپان برادری امن برو دن تم کیا گن لسن ول گن اس لسن برہن دن مگر وچھ سائد بند سی گو نا بند بند گو تک پہ گئی جانور زیادہ گو اگر اگر سہ لسنس وول گن تم سا پروٹیکٹ باسا اگر گورمنٹ طرف تم ملن بی واپس ممکن کنٹرول کنٹرول تو یہ تھی ہمارے ساتھ چوپان برادری یہاں پہ بہت ساری دقت فیس کرنی پڑتی ان کو یہاں پہ بہت پہلے نا یہاں پہ لائسنس گن ایشو کیے جاتے تھے ان اس پرٹیکولر کمیونٹی کو تاکہ ان کا جو پرٹیکولر اپنا جو پروڈکٹ ہوتا ہے مال ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بٹ پتہ نہیں اب بہت ٹائم سے نا وہ لائسنس دینا بند ہو گیا تو اب یہ ان کی ایک سجیشن ہے کہ اگر ہمیں واپس سے وہ لائسنس والے گن مل جائے ہم اپنے جو مال وال ہوتا ہے پورا چاہے گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ مال ہوتا ہے پلس جو زمیندار ہیں ان کا بھی مال ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک سجیشن تھی ان بھائی کی تو وہ ہم یہاں پہ بیٹھے تھے بھائی نے کہا کہ اگر آپ یہ سجیشن آگے تک لے کے جاؤ گے تو اچھا رہے گا
तो भाई से मैंने सजेशन ली ये कैसे हम ये चीज़ कम करेंगे जो नुकसान होता है। तो इसने ये रिकमेंड किया मुझे वहाँ से कि अगर वो जो लाइसेंस वाले बंदूक पहले थे रबर की गोलियाँ शायद लगती थी उसमें या कुछ शायद रबर गोलियाँ कुछ शायद मेरे ख्याल से ना शायद रबर की गोलियाँ लगती थी उसमें, तो वो चीज़ अगर इनको वापस मिलती तो ठीक रहता है। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो इन भाई के पास बैठे थे हम लोग, इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी जो बिल्कुल मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है अपनी लाइफ में। वो ये सीन है, वो ये है कि आपने जो ऊपर वो दिख रहे ना वो बर्फ़ वहाँ से, तो वो पीक, तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे उस पीक के पीछे इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे, और वो बर्फ़ समझ लो साल भर में नहीं, अगर समझ लो कि 50 साल तक भी बर्फ़ ना पड़े ना वो बर्फ़ वहीं पे रहेगी, इतनी बर्फ़ है। और वो ना समझ लो उसको मैंने इनसे पूछा था कि इसके बारे में इसका नाम क्या है, तो उन्होंने ये कहा था इसका नाम है शनगंज। सो वीकेंड से एक कसम शनगंज हम अगर हम बोल भी सकते हैं, आई कैन से कि यार इट्स लाइक माउंटेन ऑफ स्नो, तो वो चीज़ कह सकते हैं। और बिल्कुल देखो ये वाली पीक दिख रही है ना, ये वाली पीक, इसी पीक से जो राजौरी पुंछ का जो भी ये चौपान बरादरी वो है ना, वो पूरा अपना माल जो कैटल्स उनके वही वो साइड लेके आते हैं। सो फाइनली टाइम टू से गुड बाई दिस अमेजिंग लोकेशन। It was an amazing night full of adventure, a kind of dream for me, I can say. जाने से पहले make sure कि जहाँ पर आपने टेंट लगाया था रात को वो जगह बिल्कुल क्लीन फिर से कर लो, और गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर। और हम भी ये कर रहे हैं कि पूरी जो जगह हमने रात को यूज़ की थी कि उस जगह को बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी ब्यूटीफुल लोकेशन से फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो और फॉलो भी करो। अस्सलाम वालेकुम।